अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू रिफ्लजेंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, टुडे आवर लेसन इज चैप्टर नंबर 11, होम्योस्टेसिस। सो वी डिस्कस इन आवर प्रीवियस लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस एंड सम टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस प्रोसेसेस दैट मे बी दैट आर हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी टू मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो वी डिस्कस हेयर सम न्यू कॉन्सेप्ट दैट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। प्लांट्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, ठीक है। पानी के और सॉल्ट्स की मौजूदगी के बेस पे हमने प्लांट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया है। वन इज़ द हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड आर द ज़ीरोफाइट्स एंड थर्ड वन इज़ द हेलोफाइट्स। सो हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, वी डिस्कस दीज ऑल वन बाय वन इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स। एज यू सी हेयर इज फर्स्टली इज द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मीन वाटर। सो हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट विच लिव कम्प्लीटली पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। ऐसे प्लांट्स हैं जो कि कम्प्लीटली या पार्शली तौर पे फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, हाउ दीज प्लांट्स डू द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, क्योंकि यहाँ पे वाटर की एक्सेशन जो है वाटर बहुत ज़्यादा होगा, तो वो कैसे रिमूव करते हैं। हाइड्रोफाइट्स प्लांट डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्टोरेज, दे हैव डिवेलप मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दियर सेल्स, ठीक है। इनका जो है एक डिवेलप मैकेनिज्म स्पेसिफिकली होता है जिससे रिमूवल होती है। अडेप्टेशन कैसे इनकी होती है। हाइड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन देयर अपर सर्फेस। दिस करेक्टरिस्टिक्स हेल्प दैम टू रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे कि पहले मैंने कहा कि यहाँ पे इनके पास एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, प्लान मैकेनिज्म होता है। तो प्लान मैकेनिज्म यही है कि इसमें अमाउंट ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा जो है वो रिमूवल ऑफ वाटर अकर होती है। एग्जाम्पल इसकी जो है वो वाटर लिली है। जैसे कि प्रीवियसली भी हमने जब लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था प्लांट्स को, तो हमने कहा था कि लास्ट वाटर के प्लांट जो हैं उसमें वाटर लिली बेस्ट एग्जाम्पल है। सो ज़ीरोफाइट्स दीज आर द डेजर्ट प्लांट। सो रोल ऑफ क्यूटिकल इनमें कैसे होती है, जैसे आपको पता है कि ज़ीरोफाइट जितने हैं इनके लीव्स ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते और सनलाइट इन पर ज़्यादा नहीं पड़ती। ज़ीरोफाइट्स पोसेसेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस टू रिड्यूस द वाटर लोड फ्रॉम इंटरनल टिश्यूज़, ठीक है। वाटर लोड इंटरनल टिश्यूज़ में कम करने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड बनाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ लेस स्टोमेटा, दे हैव लेस स्टोमेटा टू रिड्यूस द रेट ऑफ इंस्पायरेशन। यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इन प्लांट में रिस्पायरेशन जो है वो कम की जाती है ताकि वाटर लॉस ज़्यादा आकर ना हो। सच प्लांट हैव डीप रूट्स एंड एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। यहाँ पे ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन जो है वो जो ऐसी सॉइल से इनकी रूट्स जो हैं बहुत गहरी होंगी ताकि ज़्यादा पानी इनटेक कर सकें। रोल ऑफ पेरेन्काइमा, सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स इन स्टेम्स और रूट्स इन विच दे स्टोर लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर। दिस मेक देयर स्टेम्स इन रूट्स इज़ रूट वेट एंड जूसी कार्ड सकुलेंट ऑर्गन्स, ठीक है। और एग्जाम्पल्स इसकी क्या है, कैक्टी है, सिंगुलर कैक्टस इसे हम लोग कहते हैं, और कॉमन एग्जाम्पल इसकी प्लांट है, इसको हम लोग जो है वो डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो जब हम इसके स्ट्रक्चर को कट करते हैं तो ज़्यादा वैक्सी स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अडेप्टेशन इन हेलोफाइट्स, सॉल्ट सेल्टर इन द बॉडी ऑफ सच प्लांट ड्यू टू देयर हायर कंसनट्रेशन इन सी वाटर। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इन टू द हाइपरटोनिक कंडीशन सी वाटर, मतलब कि बाहर की तरफ एक्सीशन होगी सी वाटर की तरफ। वेन सॉल्ट एंटर इन टू सेल्स प्लांट्स कैरिड आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वैक्यूल। सॉल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। एग्जाम्पल इसकी जो है वो सी ग्रासेस हैं, मतलब कि जितने भी हेलोफाइट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जितने भी सी के पास, मतलब समुंदर के पास जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो यहाँ पे जो एक साइड पे पिक्चर है, जो फ्लावर आपको नज़र आ रहा है वो वाटर लिली का है, और जो एक साइड पे आपको ऊपर वाली साइड पे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो हेलोफाइट्स हैं, और नीचे जो कांटेदार स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो आपके पास जितने भी ज़ीरोफाइट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं वो प्लांट्स के